जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम यही जानते थे कि हाई स्कूल में जो हमारा नाम लिख गया है, अब उस नाम को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा नाम हाई स्कूल की मार्कशीट में आ गया है, अब उसी नाम उसी स्पेलिंग के सहारे ही पूरी ज़िंदगी निकालनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें नाम चुनना या बदलना नागरिक का मूल अधिकार है, और ये भी कहा कि बदलाव की अनुमति ना देना मूल अधिकारों का हनन है। और इस संबंध में उन्होंने याची को नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं, प्रयागराज की है ये। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म जाति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम चुनने अथवा बदलने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को प्राप्त है। इस अधिकार को प्रतिबंधित करने का नियम मनमाना एवं संविधान के विपरीत है। कोर्ट ने कहा, किसी को अपना नाम बदलने से रोकना उसके मूल अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इंटरमीडिएट रेगुलेशन 40 को अनुच्छेद 25 के विपरीत करार दिया है। यह नाम बदलने की समय सीमा व शर्तें थोपती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने MD समीर राय की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। भारत सरकार के गृह सचिव व प्रदेश के मुख्य सचिव को इस संबंध में लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के 24 दिसंबर 2020 के आदेश से याची को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तित करने की मांग अस्वीकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही याची का नाम शहनवाज के स्थान पर MD समीर राव बदलकर नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याची को पुराने नाम के सभी दस्तावेज संबंधित विभागों में जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि नए नाम से जारी किए जा सके और पुराने दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो इस प्रकार हाईस्कूल और इंटर होने के बाद भी याचिका स्वीकार की गई है, जिसमें उसने नाम बदलने की अपनी मांग रखी है।